Hey guys, welcome back. तो दोस्तों अभी हम BTC, ATA, Ethereum, Matic, DOT, Axie, Solana के चार्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपके जो भी डाउट है हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। लेकिन अगर चैनल पहली बार है तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल में डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में BTC का अल्टकॉइन का मार्केट अपडेट देखने मिलता है। तो गाइस आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, अभी हमने BTC का लाइव चार्ट ओपन किया फुल फोर के चार्ट में, कल की डेट के अंदर भी हमने आपके साथ में सेम चार्ट शेयर किया था। तो अगर अभी आपको किसी भी अल्टकॉइन में एंट्री बना के रखना, तो आप देख सकते हो BTC को हमारा 18,500 के पास में मेजर सपोर्ट जो है, एग्जैक्टली बिटकॉइन को 18.5 के पास में मेजर सपोर्ट जो है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको अल्टकॉइन में BTC में एंट्री बना के रखना है गज, विथ स्टॉप लॉस के साथ में ही आपको एंट्री बना के रखना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा BTC है फोर फोर टाइम फ्रेम में डिसेंडिंग ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, जो कि एक बेरिश का साइन होता है गज। अगर हमारी कैंडल आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो गज, जो हमारे बिटकॉइन है फोर फोर टाइम फ्रेम में डिसेंडिंग ट्रायंगल में मूव कर रहा है, तो अगर हमारी कैंडल अगर इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करती है, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन लेती है, तो उसके बाद में हो सकता है कि आपको अल्टकॉइन में बिटकॉइन के प्राइस में मेजर डाउनफॉल देखने मिले। अगर आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में नहीं पता है तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, अभी मैंने आपके साथ में एक चार्ट ओपन करके रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा पहले प्राइस पैटर्न है, पहले डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, उसके बाद में आपको एक चैनल के अंदर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे कि हम यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। एंड गाइज आप इस पॉइंट के पास में देख सकते हो जो हमारे कैंडल होती है, फाइनली जो हमारे यहाँ पर सपोर्ट जोन होता है इसको ब्रेक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी कैंडल होती है यहाँ पर रिट्रेस करने के बाद में आपको इसके प्राइस से मेजर डाउनफॉल देखने मिलता है। तो जब भी हमारी कैंडल, जब भी हमारा प्राइस पैटर्न अगर किसी डिसेंडिंग ट्रायंगल मूव करता है, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ में ही एंट्री बना के रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे कैंडल वर्स्ट के सिनेरियो में अगर सपोर्ट जोन को ब्रेक करती है, तो उसके बाद में आपको अल्टकॉइन में बिटकॉइन के प्राइस में मेजर डाउनफॉल देखने मिल सकता है। तो गाइज अगर अभी आपको किसी भी अल्टकॉइन में एंट्री बना के रखना है, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ में ही 18,500 के पास में एंट्री बना के रखना, आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है 18,000 के पास में गाइज, आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है 18,000 के पास में। उसके बाद में ही जब हमारा BTC 18,500 के पास में आता है, तो आप किसी भी अल्टकॉइन में पार्ट में एंट्री बना के रख सकते हो। लाइक आप यहाँ देख सकते हो ATA के चार्ट को दोस्तों, इस टाइम पर अभी हमने ATA का लाइव चार्ट ओपन किया फ्लो के टाइम फ्रेम में, इस टाइम पर इसका करंट प्राइस चल रहा है 0.162 के पास में। तो अगर अभी आपको ATA के अंदर एंट्री बना के रखना है, तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो जो हमारे यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, ब्लू ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट काम कर रही है, इसके जस्ट नीचे आपको हमारा सपोर्ट जोन दिखाई देगा 0.145 के पास में। तो अगर अभी आपको ATA के अंदर एंट्री बना के रखना है, तो आपको हमारे ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंट्री बना के रखना है, उसके बाद में आपको सेकेंड एंट्री में डीसे करना है 0.145 के पास में। दोस्तों अभी आप यहाँ पर ATA में फर्स्ट एंट्री बना के रख सकते हो 0.153 के पास में, इसके बाद में आपको हमारे सेकेंड एंट्री बना के रखना है 0.145 के पास में। गाइस पास्ट में आप देख सकते हो जो हमारी कैंडल है, जो हमारे यहाँ पर ब्लू ट्रेंड है, यहाँ पर काफी बार रिजेक्शन लेती है, एक बार आपको सपोर्ट देखने मिलता है गाइस। आप देख सकते हो पास्ट में जो हमारी कैंडल है, इस पॉइंट के पास में आपको रिजेक्शन देखने मिलता है, उसके बाद में आपको डाउनफॉल देखने मिलता है। अगेन दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो जो हमारी कैंडल है, सेकेंड टाइम रिजेक्शन लेती है, उसके बाद में आपको डाउनफॉल देखने मिलता है। अगेन थर्ड टाइम रिजेक्शन लेती है, उसके बाद में आपको डाउनफॉल देखने मिलता है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी कैंडल है, फोर्थ टाइम रिजेक्शन लेती है, उसके बाद में आपको डाउनफॉल देखने मिलता है। अगेन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी कैंडल है, फाइनली इसको ब्रेक कर देती है, 12 रन हिट करती है, फिर फाइनली आपको यहाँ पर ब्रेक देखने मिलता है। एंड फिफ्थ टाइम आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारे कैंडल की वीक है, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में आपको इसके प्राइस में काफी अच्छा खासा बाउंस बैक देखने मिल रहा है। तो अगेन जो हमारी कैंडल है अगर इस ब्लू ट्रेंड को टेस्ट करती है 0.153 के पास में, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री बना के रखना है, आपको सेकंड एंट्री बना के रखना है 0.145 के पास में हमारे सपोर्ट जोन के अकॉर्डिंग। ओके तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आप यहाँ देख सकते हो इथेरियम के चार्ट को दोस्तों, इस टाइम पर अभी हमने यहाँ पर इथेरियम का लाइव चार्ट ओपन किया वन डे के चार्ट में, एग्जैक्टली इथेरियम को 1257 के पास में हमारा सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट नीचे आपको हमारा यहाँ पर 1128 के पास में, 1120 के पास में हमारे यहाँ पर जो ब्लू ट्रेंड दिखाई दे रही है, ये भी सपोर्ट काम करते हुए दिखाई देगी। तो गज अगर अभी आपको इथेरियम के अंदर एंट्री बना के रखना है, तो आपको इस जोन के अकॉर्डिंग ही पार्ट में एंट्री बना के रखना है गज, आपको इस जोन के अकॉर्डिंग 1120 से लेकर 1250 के पास में इस जोन के अकॉर्डिंग ही पार्ट में एंट्री बना के रखना है। क्योंकि अगर हमारा बिटकॉइन 18,500 तक आता है, तो इजीली हो सकता है कि जो हमारा इथेरियम है यहाँ पर आपको 1220 के पास में देख मिले। तो इस जोन के अकॉर्डिंग आपको BTC के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए ही पार्ट में एंट्री बना के रखना है। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो मैटिक के चार्ट को, इस टाइम पर अभी मैटिक का लाइव चार्ट ओपन किया फ्लो के टाइम फ्रेम में, एग्जैक्टली मैटिक को जो हमारे यहाँ पर ब्लू ट्रेंड दिखाई दे रही है, ये सपोर्ट काम करते हुए दिखाई दे रही है। साथ में दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलता है कि जो हमारा मैटिक है अभी असेंडिंग ट्रायंगल को फॉलो करेगा,
अभी इसको रिजेक्शन देखो मिल सकता है 0.79 के पास में, गाइस एग्जैक्टली 0.79 के पास में देख सकते हो जो हमारी कैंडल है, हो सकता है कि रिजेक्शन लेने के बाद में नीचे आए। तो इस तरह से आपको 0.735 के पास में, 0.737 के पास में फर्स्ट एंट्री बना के रखना है। अगर हमारी कैंडल यहाँ पर सपोर्ट लेती है तो उसके बाद में हो सकता है कि जो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल है फाइनली ये प्ले आउट करे, जैसे कि हमने बिटकॉइन के चार्ट में देखा था कि जो हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल है ये बेरिश का साइन होता है, लेकिन जो हमारा मेट्रिक है मेट्रिक में जो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा ये बुलिश का साइन होता है। तो आपको इस तरह से हमारे यहाँ पर ब्लू ट्रेन के अकॉर्डिंग 0.735 के पास में, 0.738 के पास में फर्स्ट एंट्री बना के रखना है। उसके बाद में आपको बीटीसी को फॉलो करते हुए सेकंड एंट्री बना के रखना है 0.70 के अकॉर्डिंग। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो डॉट के चार्ट को दोस्तों, इस टाइम पर अभी हमने डॉट का लाइव ओपन किया फ्लोर के चार्ट में, एग्जैक्टली डॉट को अभी हमारे यहाँ पर सपोर्ट जोन है 6.13 के पास में, गाइस एग्जैक्टली डॉट को 6.13 के पास में हमारा सपोर्ट जोन है। तो अगर अभी आपको डॉट में एंट्री बना के रखना है तो गाइस आप यहाँ पर 6.13 के पास में फर्स्ट एंट्री बना के रख सकते हो। उसके बाद में आपको डीसीए करना है हमारे बीटीसी को फॉलो करते हुए। गाइस अगर अभी आप यहाँ पर डॉट के फॉरवर्ड टाइम फ्रेम में ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलता है कि जो हमारा डॉट है इसमें 6.13 के पास में, 6.10 के पास में मेजर सपोर्ट जोन है। इवन दो आपको वन मोर के चार्ट में जो हमारे यहाँ पर ट्रेंड दिखाई दे रही है, गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो वन मोर के चार्ट में जो हमारे यहाँ पर ब्लू ट्रेंड दिखाई दे रही है ये भी सपोर्ट काम करती हुई दिखाई दे रही है। जो हमारे कैंडल की वीक होती है ऑलमोस्ट फाइनली आपको यहाँ से बाउंस बैक देख मिलता है। तो अगर अभी आपको डॉट में एंट्री बना के रखना है तो आपको 6.10 के पास में, 6.13 के पास में फर्स्ट एंट्री बना के रखना है। उसके बाद में बीटीसी को फॉलो करते हुए आपको डीसीए करना है। एंड दोस्तों आप देख सकते हो एक्सिस चार्ट को, इस टाइम पर अभी हमने एक्सिस का लाइव ओपन किया फ्लोर के टाइम फ्रेम, एग्जैक्टली एक्सिस को 12.03 के पास में जो हमारे यहाँ पर ब्लू ट्रेंड दिखाई देगी ये सपोर्ट काम करती हुई दिखाई दे रही है। इसके जस्ट नीचे 11.67 के पास में जो हमारे यहाँ पर सपोर्ट जोन है ये सपोर्ट काम करते हुए दिखाई दे रहा है। तो गज अगर अभी आपको एक्सिस के अंदर एंट्री बना के रखना है तो फर्स्ट एंट्री आपको हमारे यहाँ पर गज काफी हाई रिस्क की एंट्री होगी 12.03 के पास में। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट एंट्री बना के रखना है, उसके बाद में आपको डीसी करना है 11.67 के पास में हमारे सपोर्ट जोन के अकॉर्डिंग। गज इस जोन के अकॉर्डिंग आपको 11.67 से लेकर 12.03 के पास में आपको एंट्री बना के रखना है। उसके बाद में बिटकॉइन को फॉलो करते हुए आपको सेल टारगेट लगा के रखना है। एंड गाइस आप हम देख सकते हो सोलाना के चार्ट को, इस टाइम पर अभी हमने सोलाना का लाइव चार्ट ओपन किया फ्लोर के टाइम फ्रेम में। जो अभी हमने सोलाना है इसने जो हमारे यहाँ पर ब्रेक डाउन ले लिया, जो हमारे यहाँ पर ब्लू ट्रेंड थी इसको ब्रेक कर दिया। तो अगर अभी आपको सोलाना के अंदर एंट्री बना के रखना है तो गाइस आप यहाँ पर 31 से नीचे आपको एंट्री बना के रखना है। हमारा सपोर्ट जोन होगा 30.60 के पास में, गाइस आपको सपोर्ट जोन दिखाई देगा 30.60 के पास में। लेकिन हो सकता है कि जो हमारा बीटीसी है अगर 18,500 को टेस्ट करता है तो हो सकता है कि जो हमारा सोलाना है एग्जैक्टली 30.60 को टेस्ट नहीं करे, तो इसलिए आपको 31 से नीचे पार्ट में एंट्री बना के रखना है। ओके गाइस तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। तो रियल में अगर आपको हमारा बीटीसी का, एटा का, इथेरियम का, मेटिक का, डॉट का, एक्सिस का प्राइस प्रेडिक्शन अच्छा लगा हो तो अभी के भी इस वीडियो को लाइक करना। ओके थैंक यू सो मच।